हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई OTTN की Amazon Prime की मच अवेटेड सीरीज दी पुलिस फोर्स को लेकर। जी हाँ, पुलिस फोर्स फाइनली रिलीज हो चुकी है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सीरीज दी इंडियन पुलिस फोर्स, जिसे लेकर ऑडियंस का क्रेज काफ़ी ज़्यादा दिखा जा रहा है। और ये फिल्म OTTN की Amazon पर आज से प्रीमियर कर चुकी है और ट्रेंडिंग में बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, कहीं ना कहीं OTT डेब्यू है डायरेक्टर के तौर पे रोहित शेट्टी का, और OTT डेब्यू है इस सीरीज़ के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा का। और बात करूँ मैं सीरीज़ को लेकर, तो सीरीज़ में आपको कॉप के तौर पर नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी। इनके अलावा आपको नज़र आएंगे एंटागोनिस्ट यानी कि शरद केलकर। बात की जाए इस सीरीज़ को लेकर, तो सीरीज़ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सीरीज़ एक्शन से भरपूर है, नेक्स्ट लेवल के एक्शन सीक्वेंस आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, जिसे कि पब्लिक पसंद कर रही है। बात करूँ इस सीरीज़ के बजट की, इस सीरीज़ के कलेक्शन की, तो बताना चाहेंगे सबसे पहले इस सीरीज़ का बजट है ओवरऑल 150 करोड़ प्लस। इस सीरीज़ को कम से कम 200 करोड़ कमाने होंगे एवरेज हिट के लिए। क्या लगता है, क्या ये फिल्म 200 करोड़ कमाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कमाएगी, क्योंकि आपको भी पता है Amazon Prime के पास करोड़ों की मात्रा में सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि इस सीरीज़ को इजीली हिट का करार दिला देंगे। और आपको पता है रोहित शेट्टी का सिनेमैटिक यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स लोगों ने देखा जो कि काफ़ी पसंद आया। अब OTT पर जो उन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसका डिमांड, उसका क्रेज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया ट्रेलर रिलीज होने के बाद। बात करूँ उसके कलेक्शन की, तो ये फिल्म आज भी कम से कम 15 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन OTT पर, जो कि अनऑफिशियल कलेक्शन है पूरी तरह से। और ये कलेक्शन कभी भी आपको इस फिल्म के, इस सीरीज़ के विकिपीडिया पर शो नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।